कोरोना के बाद एक बार फिर मंकी पॉक्स दुनिया के कई देशों में कोहराम मचा रहा है। मंकी पॉक्स के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ने की वजह से अमेरिका के कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। सैन फ्रांसिस्को में 28 जुलाई को मंकी पॉक्स को लेकर लोकल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। सैन फ्रांसिस्को ऐसा करने वाला पहला प्रमुख अमेरिकी शहर है। मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पहले ही घोषित कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को के मेयर लंदन एंड ब्रिज ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में कोरोना के दौरान देखा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तुरंत एक्शन आवश्यक है। हम जानते हैं कि यह वायरस सभी को समान रूप से प्रभावित करता है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि LGBTQ समुदाय के लोग इस समय अधिक जोखिम में हैं। आपको बता दें कि मेयर ने LGBTQ समुदाय को खास टारगेट इसलिए भी किया है क्योंकि WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा था कि 98% मंकीपॉक्स के मामले बाइसेक्सुअल और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों से पाए गए हैं। मेयर ऑफिस के अनुसार शहर में मंकीपॉक्स के 261 मामलों की पुष्टि हुई है। कैलिफोर्निया में 799 मामले, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 4600 से अधिक मामले और 76 देशों में वैश्विक स्तर पर 19,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बाद दुनिया के करीब 76 से ज्यादा देश मंकीपॉक्स की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक 19,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। भारत में भी मंकीपॉक्स के फिलहाल 4 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके कारण भारत में भी राज्यों में अलर्ट किया गया है। मंकीपॉक्स के इलाज के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे आखिर मंकीपॉक्स फैलता है। हालांकि मंकीपॉक्स मुख्य रूप से सेक्स के दौरान फैल रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति करीबी शारीरिक संबंध के जरिए भी इस वायरस की चपेट में आ सकता है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति के परिवार में एक दूसरे को गले लगाना और किस करना भी शामिल है। यह संक्रमित व्यक्ति के तौलिया या बिस्तर शेयर करने से भी हो सकता है। इस समय मंकीपॉक्स के कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि ऐसे मामले अभी बहुत कम हैं। अगर घाव संक्रमित व्यक्ति के मुंह में हो तो मंकीपॉक्स ड्रॉपलेट्स से भी फैल सकता है, लेकिन इसकी संभावना भी तब है जब आप संक्रमित व्यक्ति के बिल्कुल सामने खड़े होकर देर तक बात करें। मंकीपॉक्स के लक्षण की अगर बात करें तो USCDC के अनुसार ज्यादातर लोग जो मंकीपॉक्स से संक्रमित होते हैं वो 2 से 4 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। इस वायरस की वजह से शरीर में रैशेज पड़ जाते हैं जिससे बहुत दर्द होता है। पहले के मामलों में मंकीपॉक्स फ्लू के समान लक्षणों के साथ शुरू होता है और इसके बाद दाने होते हैं जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन वर्तमान प्रकोप में मंकीपॉक्स के लक्षण असामान्य तरीके के हैं। कुछ लोगों को पहले चकत्ते होते हैं, फिर फ्लू के लक्षण आते हैं, जबकि कुछ लोगों में बिना किसी फ्लू के लक्षण के ही दाने होते हैं। बहुत से लोगों को प्राइवेट पार्ट के पास रैशेज महसूस हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।